हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल है आप लोग? क्या आइए, सब अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू है कि जो इतना सपोर्ट कर रहे, जो इतना मोटिवेट कर, कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे वर्क को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सबको, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखेगा, हम और जाएंगे आगे। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा ही हो गया है और कमेंट्स की पूरी भरमार आ चुकी है मेरे पास, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूँ जितना जल्दी हो सके। तो थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा कि मैं रिप्लाई करूंगा ही। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ जितनी जल्दी हो सके, या तो फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ अगर कोई एक जैसा कमेंट हो तो। ठीक है, वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्हीं सब कमेंट्स के बीच में, इन्हीं सब आपके सपोर्टिव कमेंट्स के बीच में, एक जिनका कमेंट आता है वो तमिलनाडु से, उनका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि यूजर नेम अलग अलग होते हैं। तो वो बोल रहे थे कि उनका एक मेन पॉइंट, उनको ओप्पो इनको ए टू प्रो और नॉट बड्स टू में डिफरेंस था, तो उनका एक पॉइंट अच्छा लगा कि वो बोले कि मेरा बजट तो 5K है, लेकिन अगर मेरे को इसके कम में कुछ अच्छा चीज मिल जाए, मतलब मेरे को 5K तक मैं जा सकता हूँ लेकिन इसके नीचे ही अगर मेरे को कुछ मिल जाए तो मैं क्यों ना जाऊँ। पॉइंट ये होता है, ये इनकी ऐसी थिंकिंग और यही सेम थिंकिंग मेरी है। और आई होप कि आप में से बहुत लोगों की होगी कि कम पैसों में मेरे को कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है। सो गाइस, ये वीडियो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए हैं जो कम पैसों में कुछ अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद रखते हैं। गाइज, आज का ये रिव्यू रियलमी बड्स वायरलेस 3 का। आई नो कि मैं लेट हूँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फिर भी आपको इस वीडियो में हर एक चीज डिटेल्स तो मिलेंगी मिलेंगी। बॉक्स ओवरव्यू जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ तो साइड में इतना बड़ा लिखा हुआ है और साइड में रियलमी लिखा है, इधर भी रियलमी लिखा है। पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 39 mAh के ड्राइवर, 360 स्पेशल ऑडियो इफेक्ट हाँ इसमें है, 40 आवर्स का बैटरी लाइफ, ये 50% वॉल्यूम पे ही लोग क्लेम करते हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, गूगल फास्ट एयर मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी। बॉक्स के कंटेंट्स आपको चार्जिंग केबल नहीं मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है और ईयर टिप्स मिलते हैं, बस और कुछ मिलता नहीं। सो गाइस, डिटेल रहेगा, नीचे टाइम स्टैम्प तो रहेगा एज यूजुअल, आपको पता ही रहता है कुछ लिखा रहता है, स्लाइड करें कोई पार्ट में आप जा सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ेगा वीडियो को। बहुत लोग वीडियो देखते हैं गाइस लेकिन कोई लाइक नहीं करता, शेयर तो चलिए लाइक करने वीडियो आगे बढ़ते हैं। कम से कम आप लोग जो देख रहे हैं उनको लाइक कर दीजिए वीडियो को, कम से कम ये वीडियो आगे बढ़ सके। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ज्यादा तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, यहाँ पे आपको मल्टीफंक्शन बटन मिल जाता है, जैसे भी आप देख सकते हैं। प्लस माइनस आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्ले पॉज के लिए रहेगा, ये आपका नॉइस कैंसलिंग एक्टिव मतलब ऑन ऑफ करने के लिए रहेगा। और बिल्ड विल्ड तो गाइस एज यूजुअल कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं, अच्छा खासा नेक बैंड है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्ड भी अच्छा ही है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है टाइप सी का है यहाँ पे, और आपका माइक यहाँ पे प्लेस किया है, मतलब राइट वाला जो है आपका कॉलर के साइड आएगा। और वायर भी जो है ब्रेडेड है गाइस, पुराने टाइप पुराने जो आते थे ब्रेडेड केबल, इसके रियलमी के वैसे टाइप के लाइन लाइन वाले वैसे ब्रेडेड है, मतलब ऊपर से ब्रेडेड नहीं है, मतलब उस टाइप में थोड़ा टेक्सचर्ड वायर है। ओके, और ये जो देखेंगे ये जबरदस्त चीज है यार, ये जो मैग्नेट है ना देख रहे हो कितना तगड़ा है, यहीं से छोड़ूंगा तो यहीं से पकड़ लेगा ये। ये देखिए, नॉइस कैंसलिंग के लिए आपके लिए माइक दिया गया है, 13.6 mm के ड्राइवर दे रहे, काफी बड़े हैं, काफी थंपिंग है, बढ़िया भयंकर टाइप का साउंड आता है इसमें, एकदम बेस से लेकर हर एक चीज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। ऐसा जैसे प्रोटेक्टिव नेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, और मैग्नेट यार बोट की तरह नहीं है। और मैंने जो बोला था बोट के उसमें कि यार मुझे लगता है कि ये अच्छा बनाएंगे रियलमी वाले, क्योंकि सॉफ्टवेयर पार्ट और रियलमी का काफी तगड़ा है बोट से। सो गाइस, सॉफ्टवेयर मामले में तो दिखाएंगे। और गाइस, मुझे जो एकदम हैंडी फीचर लगता है, मतलब बहुत अच्छा फीचर लगता है, वो गाइस ये है, आप इसको खोलेंगे ऑन हो जाएगा, ऐसा चिपका देंगे तो ऑफ हो जाएगा। बहुत बोट में ये चीज होता नहीं था, मैग्नेट भी बेकार था उसका, ढीला ढाला मैग्नेट था, इसका काफी अच्छा मैग्नेट। ये देखिए, यहीं से अपन इसको ऐसा छोड़ेंगे पकड़ लेंगे, इतना अच्छा मैग्नेट है। ओके, ऐसे ऐसे नहीं हिलेगा पूरा, ये देखिए, तो ये ऐसा ऑन हो गया और ये ऐसा ऑफ हो गया, काफी अच्छा फीचर है। और ये मतलब मेरे को लगता है हर एक नेक बैंड में होना ही चाहिए गाइस, है ना। बिल्ड में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, एज यूजुअल सब सही ही है, प्लास्टिक है पूरा, ऐसा भी कोई बेकार प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे आपको रियलमी का ब्रांडिंग मिल जाती है, रियलमी लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट दोनों साइड मार्क है गाइस, कोई दिक्कत है आपको आने वाली नहीं है, काफी अच्छा ये बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और ये ग्लॉसी पार्ट है मैग्नेट में, आपको ना ऐसा थोड़ा सा टेक्सचर दिखाई देगा हल्का, दिख रहा है जैसे टेक्सचर्ड वाला ऐसा टाइप का थोड़ा डिजाइन मिलने वाला है। तो इस डिजाइन बिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें दो दो जगह आपका एक वेंट है स्पीकर्स के ताकि डिस्टॉर्ट मत हो, दूसरा आपका एक नॉइस कैंसलिंग के लिए है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक माइक होगा और ये स्पीकर्स के डिस्टॉर्ट मत हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से कोई भी एक चीज। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन बिल्ड में तो कोई आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर ईयर फिट टेस्ट की बात करें तो अपन ने ऐसा तो लगा लिया है, गिरने वाला तो है नहीं ना, ये पूरा हिल गया, नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, मेरा बाल वाल तो देखो पूरे पागल हो। हाँ तो गाइस नहीं होगा, कुछ दिन बाद इस वीडियो में आप आगे देखेंगे मेरा सर उखड़ के फेंकने वाला है नहीं गिरेगा गाइस, एयर फिट अच्छा ही है, अच्छा फिट होता है, नहीं गिरेगा, जिम विम में आप यूज करेंगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इस अपडेट की सिचुएशन की बात करें तो इस नेक बैंड में मेरे परचेस के बाद 2 अपडेट आ चुके हैं, काफी अच्छी बात है कि रियलमी अपडेट्स पे ध्यान दे रहा है, वो तो पहले से ही देता था। अभी नेक बैंड में भी आप कुछ भी बग्स रहेंगे तो फिक्स हो जाएंगे भाई अपडेट, या तो फिर कुछ और चेंजेस करना है तो रियलमी वाले वो अपडेट के थ्रू कर देंगे, तो अपडेट का सिचुएशन तो गाइस बढ़िया ही है। सो गाइस, इसके स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए, मैं जो मेन पार्ट है मैं रेड एरो से मार्क कर दे रहा हूँ, डॉल्बी एटमॉस, डुअल पेयरिंग और AMC, और आपको स्पेशल ऑडियो मिल जाता है, बाकी आप वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा।
सो गाइस अब बैटरी बैकअप देख लीजिए विदाउट एएनसी के मेरे को 20 आवर्स 26 मिनट्स कुछ मिला है और एएनसी के साथ मुझे मिला है अराउंड 27 आवर्स 21 मिनट्स। 100% वॉल्यूम पर मैंने टेस्ट किया है, 3% पे तो आप नीचे देख सकते हैं रियलमी ने कितना क्लेम किया। और भी चीज नीचे लिखी है गाइस, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और गाइस इसका चार्जिंग टाइम भी आप देख लीजिए 50 मिनट्स लगता है सिर्फ फुल चार्ज होने में, 250 mAh की कुछ बैटरी है तो जल्दी हो जाता है। फास्ट चार्जिंग मिल जाता है आपको, 10 मिनट चार्ज करते तो 25 घंटे का प्लेबैक। और ये एकदम है, मैं 10 मिनट लगाया था और ये भी जो है फास्ट चार्जिंग वाला 70% हो गया था। उसके बाद तो 2-3 दिन मैंने यूज किया 10%, मतलब क्योंकि इतना लाउड है ना ये, 50% वॉल्यूम पे ही आपका हो जाएगा काम, ऐसा है मतलब इतना तगड़ा मतलब रियलमी ने बनाया। तो इसी से थोड़ा पता चल जाता है कि अभी जो रियलमी बड्स एयर 5 आने वाला है ना वो तहलका मचाने वाला है। सो गाइस वीडियो पॉज करके देख लीजिए। आपको पता है कि इंक्लूड चार्जिंग कैसा करना नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर घर में आपके लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, उसके जो यूएसबी पोर्ट है उससे आप चार्ज करिए, 2.5 वॉट का वोल्टेज रहता है, वो जो वोल्टेज रहता है 2.5 वॉट का वो काफी अच्छा रहता है। उतना ही आप हर समय अपने गैजेट्स को चार्ज करिए उतने ही वॉट से, ठीक है अच्छा रहेगा। सेकंड जो ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ वो रहता है गाइस एप्पल का जो छोटा वाला चार्जर रहता था 5 वॉट वाला पुराना, अगर वो किसी के पास है तो उससे चार्ज करिए, 5 वॉट के ऊपर आपको जाना ही नहीं। मैक्सिमम जितने भी गैजेट्स है ना वो अंडर 10 वॉट्स के अंदर ही चार्ज होते हैं, कोई 7.5 रहता है लेकिन मैक्सिमम जितना भी है ना 10 वॉट्स के नीचे, कुछ कुछ तो 5 वॉट के भी नीचे, जैसे कि 5 वॉट है दोनों, लेकिन कुछ कुछ तो 5 वॉट के नीचे, मतलब उनको उतने पावर में भी आपको उतना बैकअप मिल जाएगा। थर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अब ये जो सैमसंग का पुराना चार्जर आता था या तो बजट वाला रियलमी हो गया, बजट वाले फोन जितने हो गए उसमें जो चार्जर आता है 10 वॉट वाले उससे ही चार्ज करिएगा। शाओमी का भी 10 वॉट आता है, नहीं है तो बोट का भी आता है, आप वो सब ले सकते हैं, 10 वॉट के चार्जर से ही चार्ज करिए, ठीक है। उससे ऊपर मत ही चाहिए, जैसे कि मेरा फोन में शाओमी 12 प्रो में मेरे को 120 वॉट का चार्जर मिला लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, मैं 18, 10 और 33 ये तीन से करता हूँ, मोस्टली 10 और 33 रहता है, 18 फादर का उतना नहीं कर पाता, वो दूसरों में रहता है। तो समझ रहे होंगे आपको जितना स्लो चार्जिंग आप कर सकते हो उससे करिएगा, खासकर गैजेट्स के लिए तो अंडर 10 वॉट तक ही रखिएगा, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ वो है आपका पावर बैंक, जो अभी शाओमी के मोस्ट ऑफ द पीपल मैं सोचता हूँ कि शाओमी का ही पावर बैंक लेते होंगे, तो गाइस उसमें एक ना स्मार्ट मोड आता है, वो स्मार्ट गैजेट्स आपके जो वॉचेस हो गए, ईयरबड्स हो गए, ये सबको चार्ज करने के लिए रहता है, तो वो भी स्लो आउटपुट देता है, मतलब स्लो वॉट्स जो रहते उसके कम रहते हैं ना, ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं रहता, तो वो भी आप यूज करते हैं, स्मार्ट मोड रहता है उसमें, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसको चार्जिंग कैसे करना है इतना कम वॉट्स में। सो गाइस अब कनेक्टिविटी भी देख लीजिए, बहुत अच्छा चीज दिया गया इसमें, एज यूजुअल आपको पता है रियलमी के हर एक नेक बैंड में ये मिलता है, दोनों को पेयर कर दिया तो ये ऐसा ऑफ हो जाएगा और ऐसा खोल दिया तो ऑन हो जाएगा, ये देखिए तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और आपको इसमें एसी क्वालिटी भी मिलता है, चालू ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से, ओके। और ये लिखा हुआ यहाँ पे एसी। और इस पेयरिंग का ऐसा है कि आपको पेयरिंग अगर कोई भी नए फोन से करना है, टैबलेट से करना है, कंप्यूटर से करना है, आपको पेयर करने के लिए बीच वाले को इसको हम अभी ना वो कर देते हैं, अनपेयर कर देते हैं, ओके। ये भी ऐसा आपको इसमें गूगल का फास्ट पेयर भी आपको मिल जाता है, आपको ऐसा दिखा देगा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ऐसा आ जाएगा, ब्लिंक होगा, ये पेयरिंग मोड में है अभी, ओके ऐसा ब्लिंक होगा, तो ये देखिए डिवाइस कनेक्टेड हो गया तो ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। और इसको बीच वाले को अगर कोई इसी में भी आपको पेयर करना है तो बीच वाले को 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेगा, 1, 2, 3, 4, ये देखिए यहाँ पे ऐसा ब्लिंक करने लग गया, मतलब आपका पेयरिंग मोड आ जाएगा। और गाइस इसी से आपका कॉल उठेगा, एंड होगा, और वॉइस असिस्टेंट भी इसमें है, 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये देखिए आ गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस असिस्टेंट भी बढ़िया काम करता है, कि बटन सब कुछ A to Z हर एक बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत है आपको नहीं आने वाली है। सो गाइस अभी आप लोग इसका ऐप सपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ चीजें है ऐप में, मैं वो दिखाना ही पड़ेगा और काफी लंबा हो सकता है। गाइस सबसे पहले तो आपको एज यूजुअल बैटरी दिख जाता है, नॉइस कंट्रोल यहाँ पे दिख जाता है, एएनसी आपको मिलता है 30 dB का, -30 dB का। अब गाइस यहाँ पे आपको मोड स्विचिंग भी मिल जाता है, मोड स्विचिंग में देखेंगे तो ये ऑफ रहता है, तो अगर ऑफ रहेगा तो आप सिर्फ दो में ही टॉगल कर पाएंगे, या तो ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं तो नॉइस कैंसलिंग मोड। अब ये मोड स्विचिंग में आप ऑफ को भी सिलेक्ट कर दोगे तो आप तीनों में इससे कर सकते हैं, ये जो अपन का बटन एएनसी वाला तीनों में जंप होता रहेगा, तो ये इसमें आपको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा ऐप से जाके, मोड स्विचिंग में से इसको भी टिक मार्क करना पड़ेगा, तब जाके ये तीनों में होता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, सेरेनेड मोड, ओरिजिनल, प्योर बेस और डीप, और ये इक्वलाइजर जो है ये सही तरीके से काम करता है, मतलब OnePlus Nord Buds 2 जैसा काम करता है, रियलमी बड्स या 3S में भी ऐसा इक्वलाइजर दिया गया लेकिन वो इस तरीके से नहीं काम करता था, लेकिन ये सही तरीके से काम करता है, बेस अगर बढ़ता है तो पता चलता है, बेस अगर हम बढ़ाएंगे तो पता चलता है कि हाँ बेस बढ़ रहा है, ऐसा है, ठीक है। आपको 4 इक्वलाइजर तो मिल ही जाता है प्लस एक कस्टम भी मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात स्पेशियल ऑडियो, और ये सच में अच्छा है, थोड़े अच्छा क्लैरिटी और आता है, ऑफ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी अच्छा इफेक्ट रहता है, बोट वाले की तरह नहीं है कि आप एक रूम में बैठे इफेक्ट हो गया है वो दिल सुनोगे और वो ऐसा लग रहा है कि स्पीकर में बज रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छा है। मैंने उस समय भी बोला था रियलमी का ये जो आ रहा है ये अच्छा रहेगा और ये अच्छा ही है। उसके बाद जो है आपका डायनेमिक बेस यहाँ पे आता है, डायनेमिक बेस में अपन को अगर बेस और चाहिए कम करना है, मतलब बेस जो जितना मिल रहा है उससे भी और कम करना है तो भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को इस ये जैसा कस्टम है इसमें अगर बेस थोड़ा चाहिए तो हम बढ़ा सकते हैं, मतलब ये बेस कंट्रोलर डायनेमिक बेस है ना ये चीज है। वॉल्यूम एनहांसर आपको समझ में आ गया कि आपको वॉइस थोड़ा और बढ़ाना है तो ये काफी लाउड है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए 50 to 60% में ही काम कर देगा, 100% करोगे तो बहुत ज्यादा ही लाउड रहता है।
डॉल्बी एटमॉस की बात करें, ये डॉल्बी एटमॉस इसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये रियलमी के फोन में ही मिलने वाला है। इसमें आपको दूसरे फोन में ये डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अच्छी बात ये है, अगर आपके पास रियलमी का फोन नहीं है तो ये स्पेशल ऑडियो भी उसी तरीके का काम कर देगा। काफी अच्छा क्लैरिटी आता है, ट्रस्ट मी सच में। ठीक है, डॉल्बी एटमॉस से क्या होता है, एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, थोड़ा इको आ जाता है, थोड़ा हॉल वॉल में बैठे टाइप का वैसा टाइप का हो जाता है। ओके, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं आता। अब इस डॉल्बी एटमॉस देख लीजिए, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस चालू करते तो आपको रियलमी वाले में कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स मिल जाते हैं। एनवायरमेंटल प्रोफाइल में इंडोर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑन द गो है, ये कम्यूट है, ये फ्लाइट है। फिर सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल भी आपको मिलता है, स्मार्ट मूवी, गेमिंग, म्यूजिक। म्यूजिक अगर इसमें आपको इक्वलाइजर सब नहीं मिलेगा, जैसे आप म्यूजिक रखेंगे म्यूजिक में डिफॉल्ट आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, वार्म आ जाता है, डिटेल आ जाता है, ऑफ कर सकते हैं। आप कस्टम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास रियलमी का फोन है तो। ठीक है गाइस, डॉल्बी एटमॉस आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात, डुअल डिवाइस कनेक्शन भी आपको मिलता है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे कितने सारे डिवाइस से सब कुछ दिखा रहा है। सो गाइस, इसमें देखिए डुअल डिवाइस कनेक्शन आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि रियलमी बड्स एयर 3 जैसा मुझे मिला है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि सॉन्ग है, अभी मैं इसको चालू कर रहा हूँ, अभी ये चल रहा है। ओके, ये अभी चल रहा है तो अभी मैं इसको चालू करूंगा, तो इसको पॉज होना चाहिए, लेकिन ये पॉज नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए ये चलना शुरू हो गया। ओके, अब जब तक मैं इसको पॉज नहीं करूंगा तब ये स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए अभी आया है, अब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, कितना टाइम लगता है देखिएगा। ये अभी सर दोनों चालू हो गए, जब तक मैं इसको पॉज नहीं करूंगा तो ये चालू नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 4 से 5 सेकंड लगता है सेकंड डिवाइस का चालू होने के लिए आपका इस नेक बैंड को। ठीक है, सो गाइस ये एक प्रॉब्लम मुझे लगा है इसमें, ये नहीं होना चाहिए था पर इसमें है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वापस से दिखा रहा हूँ, इसको मैं वही चालू कर दूँ, ये अभी ये चल रहा है, अभी इसको पॉज करते हैं। 1, 2, 3, देखिए 3 से मतलब वही 4 सेकंड, तो आप मान लो 4 सेकंड लगेगा दूसरे गाने को चालू होने के लिए। तो गाइस ये एक इश्यू लगा डुअल डिवाइस पेयरिंग में मेरे को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यही चीज रियलमी बड्स एयर 3 में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। डुअल डिवाइस पेयरिंग रियलमी बड्स एयर 3 जैसा काम नहीं करता है कि ये बंद हो गया इसमें चालू करे तो ये बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको मैनुअली शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होगा। और ये चीज आपके उससे भी कनेक्ट हो जाएगा, लैपटॉप से भी। उसके बाद आपको गेम मोड भी यहाँ पे मिल जाता है, फाइंड माई फोन भी मिल जाता है, फाइंड माई ईयरफोन नहीं, फाइंड माई फोन में मिल जाता है यहाँ पे। फाइंड माई फोन कैसा करना है आपको, ये जो मल्टी फंक्शन बटन है ना बीच वाला, इसको 4 बार दबाना है। 1, 2, 3, 4, देखिए अब फिर से करते हैं, मतलब जल्दी से आपको 4 बार टैप करना है। 1, 2, 3, 4, मतलब बढ़िया चीज दिया, फाइंड माई ईयरबड्स देता था, इसमें फाइंड माई फोन दिया हुआ है। ओके गाइस, और गाइस कंट्रोल्स देख लीजिए, बीच वाले बटन से आपका प्ले पॉज होता है, ये आपका मल्टी फंक्शन बटन से क्लिक पॉज होता है, ये हो गया पॉज, ये हो गया प्ले, ये वॉल्यूम अप, ये वॉल्यूम डाउन, डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक में जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट ट्रैक में आ गया। ओके, वापस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक में आएगा। 1, 2, 3, ये देखिए वापस प्रीवियस ट्रैक में आ गया। ये आपका नॉइस कैंसिलिंग के लिए दिया गया है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी, नॉइस कैंसिलिंग ऑफ, और इसको 2 बार दबा के रखेंगे ये वाले बटन को तो गेम मोड ऑफ होगा। ये देखिए गेम मोड बंद हो गया, ये देखिए गेम मोड चालू हो गया। और फिर रीसेट करना है तो 5 टाइम्स टैप करना है और 10 सेकंड तक होल्ड करना, मतलब ये जो बटन है आपको इसको 5 बार टैप करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद होल्ड करके रखना पड़ेगा 10 सेकंड तक रीसेट करने के लिए। सो गाइस ये था इसके ऐप सपोर्ट, आई होप कि मैंने इसमें ऐप सपोर्ट में आपको क्लियर कर दिया होगा। सो गाइस मैंने इसमें एक प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है, शायद ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर सॉन्ग प्ले करेंगे तो डायनेमिक बेस चालू रहेगा, अगर आप डायनेमिक बेस को बंद कर देंगे ना तो आपके राइट वाला जो ईयरबड है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा था मेरे में, और फिर थोड़ा मैंने एक बार लेफ्ट वाले में भी थोड़ा वो एक्सपीरियंस किया था। तो अगर आप वो एक्सपीरियंस करेंगे ना ये चीज करके देखिएगा, मैं अभी आपको वीडियो में तो दिखा दूंगा और सुना भी दूंगा, आप ईयरफोन लगा लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये स्पीकर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि उसके ड्राइवर्स फट गए करके वैसे टाइप का। मेरे पास ये ऑलरेडी मेरे पास ओपन बॉक्स था, ये मतलब जब आया था तो इसके सील ओपन थे ऑलरेडी, वो आप सब कुछ चेक करें, मैं इसलिए नहीं किया वापस क्योंकि मेरे को रिव्यू करना था, तो ऑलरेडी तो अभी मैं सर्विस सेंटर जाके इसको हो गया है, 7 दिन के ऊपर हो गए तो मैं इसको रिप्लेस करवा लूंगा, दिक्कत उसका नहीं। लेकिन आप लोग ये चेक करिएगा कि आप जब सॉन्ग सुन रहे हैं सॉन्ग डायनेमिक बेस चालू करिएगा, वो वीडियो में अभी दिखा दूंगा, सॉन्ग प्ले होते होते डायनेमिक बेस बंद करिएगा, आपके स्पीकर्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही मेरे में है। ठीक है गाइस,
और इस कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग काफी अच्छा ही है इसका, भले ही सिंगल माइक मिलता है लेकिन काफी अच्छे से परफॉर्म किया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कॉलिंग चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक चीज करने कोशिश किया, थोड़ा एम्बियंस क्रिएट किया, हवा हवा के साथ में इनकनॉइस क्रिएट करने कोशिश किया, बैठ के टेस्ट किया है, सब कुछ टेस्ट किया। आप प्लीज चेकआउट करिएगा, ज्यादा बोल के तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिएगा और फिर कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, अब म्यूजिक के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं किस चीज से आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। इसमें दिया गया है, देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए आपको सेरेनेड मतलब ये वोकल्स ओरिजिनल सॉन्ग जैसा रहेगा वैसा आएगा, प्योर बेस मतलब आपको ट्रेबल के साथ बेस आएगा, डीप बेस आप समझ गए कि पूरा बेस आने वाला है। अगर आपको एक अच्छा क्लियर क्लैरिटी वाला साउंड चाहिए तो ये जो देख रहे हैं ये जो मैंने रखा हुआ है, इसमें सिर्फ आप इस दोनों को ऐसा रखिएगा ताकि बेस कम हो जाए, और ये ऐसा रखिएगा, बेस आपको चाहिए तो इतना तक कर लीजिए, ये एक बैलेंस्ड साउंड आपको मिलेगा इसमें, मतलब अच्छा क्लैरिटी के साथ क्रिस्प क्लियर साउंड मिलेगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप बेस थोड़े इसमें कम नीचे अच्छा खासा बेस आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल ऑडियो जो है इसको आप टर्न ऑन कर लीजिएगा, ऐसा लगेगा आपके ईयर एकदम ओपन अप हो गए, चारों तरफ से एकदम साउंड आ रहा है, वैसा स्टीरियो इफेक्ट नहीं आएगा, चारों तरफ से पूरा जैसा आपको इसमें दिख रहा है एनिमेशन जैसा आता है वैसे आएगा आपको। ओके, दूसरा और तीसरा जो आप कर सकते हैं, डायनामिक बेस यहाँ पे चालू कर लीजिएगा। अगर किसी को बेस एकदम कम करना है तो कैसे करेंगे, ये कस्टम जो है इसको पूरा जीरो कर लीजिए, ये दो पॉइंट को, बाकी को वैसे ही रहने दीजिए जैसा दिख रहा है अभी, और ये डायनामिक बेस को जीरो -5 कर दीजिए, एकदम कम हो जाएगा बेस अच्छा खासा। 13.6 mm के ड्राइवर है, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली ना बेस के साथ ना ट्रेबल के साथ, ने बहुत अच्छे से ट्यून किया, ट्रस्ट मी, आप एक बार इसको ट्राई करो, आप इसको ले लो अगर आपको लेना है। अगर सस्ते में कुछ अच्छा चीज चाहिए तो एक VFM प्रोडक्ट चाहिए तो ये बहुत अच्छा VFM प्रोडक्ट है। अगर आपको फिर बेस चाहिए तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, फिर उसके बाद ये जो कस्टम इफेक्ट है तो इसको ऐसा कर लीजिए और इसको 0 पे ऐसा, या तो फिर इतना तक कर लीजिए, ये बेस वाले लोग के लिए जिनको बेस चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा लाउड है, आपको पता है कितने में ही आपका काम हो जाएगा। अभी कितना वॉल्यूम है इसका, हाँ ये देखिए, ये इतना दिख रहा है आपको, कितना होगा, ये हाफ है, ये 60, मतलब 60-70% भी मोर देन इनफ है, इतना लाउड है आप नहीं सुन पाओगे, इतना ज्यादा लाउड बता रहा हूँ। 13.6 mm के ड्राइवर वाइब्रेटिंग है पूरे एकदम, और एकदम क्रिस्प क्लियर साउंड आता है क्योंकि इसे बहुत कुछ कस्टमाइजेशन दिए। दूसरा और अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, अगर आपके पास रियलमी ओप्पो या वन प्लस का फोन है तो रियलमी में तो हो जाएगा, जिसमें डॉल्बी एटमॉस है ये डॉल्बी एटमॉस मिल जाएगा, मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा वन प्लस और ओप्पो में कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे गए और फिर ये एनवायरमेंट प्रोफाइल तो सब है, लेकिन आप बोलो कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, सीनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल में जाएंगे, म्यूजिक में रखेंगे, ये सब नहीं, म्यूजिक में रखेंगे, उसके बाद ये कस्टम दिख रहा है, ये बैलेंस आ गया, वार्म आ गया, आपका डिटेंड आ गया, ऑफ हो गया, ऑफ करना समझ गया, ऑफ हो गया, कस्टम में और कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, मतलब इतना ज्यादा म्यूजिक में कस्टमाइजेशन आपको मिल रहा है 1700-1800 में, तो इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको क्या नहीं चाहिए। आप खुद ही सोच के देखिए ना, इस प्राइस पॉइंट में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है, कोई और दे पा रहा है क्या? हाँ, बस आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि आपको नेकबैंड चलेगा, बस वही है कि आपको अगर एक VFM प्रोडक्ट चाहिए तो यही है 1700-1800 में। तो गाइस, वर्डिक की बात करें तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली ये आपको लेना चाहिए, इस प्राइस पॉइंट में इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, कोई नहीं देने वाला। हाँ, आई नो कि ये नेकबैंड है, TWS और नेकबैंड का मैं फर्क नहीं करूंगा क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंसेस होता है, मैं एक ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि एक VFM प्रोडक्ट है, मतलब अगर आपको एक म्यूजिक के लिए कुछ अच्छा चाहिए जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन हो और वो बजट में हो और आपके पॉकेट फ्रेंडली हो और उसमें सब चीज मिल जाए, माइक से लेकर ऑडियो से लेकर कस्टमाइजेशन, ANC डुअल पेयरिंग, स्पेशल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, सब कुछ मिल जाए, तो ये एक बैलेंस्ड पैकेज है और बहुत सारी चीजें जैसे स्पेशल ऑडियो इसमें है, डायनेमिक बेस इसमें है और इक्वलाइजर इसमें है। ओके, ये सब चीजें अभी Realme Buds Air 5 में आने वाला है और Realme ने दिखा दिया कि वो किस तरीके का कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। ये पहली बार इन्होंने स्पेशल ऑडियो दिया है और ये काफी अच्छा है, डायनेमिक बेस भी पहली बार आया है एकदम, जो OnePlus Nord Buds 2 जैसा काम करता है जिसमें बेस वेव है, इसमें डायनेमिक बेस दिया गया है। तो सही बता रहा हूं, 13.6 mm के ड्राइवर है, ये किसके लिए बेस्ट है, चाहे वो बेस लवर हो, चाहे जिसको वोकल्स पसंद हो, जिसको ट्रेबल मिड्स पसंद हो, जिसको हाइस्ट पसंद हो, ये उन सब के लिए ये सब कुछ कस्टमाइज हो जाता है इसमें, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको चार इक्वलाइजर तो ऑलरेडी दिया गया है, वोकल्स के लिए वोकल्स दिया गया है, बेस के लिए डीप बेस दिया गया है, बेस के साथ ट्रेबल के लिए प्योर बेस भी दिया गया है, ओरिजिनल साउंड भी आपको दिया गया, बाकी कस्टम इक्वलाइजर भी दिया गया जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, OnePlus Nord Buds 2 जैसा काम करता है। Realme Buds Air 3S में भी इक्वलाइजर दिया गया लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करता जितना ये करता है। ओके गाइस, इन शॉर्ट बिल्कुल बेझिझक आप लीजिए और हाँ, जो चीजें प्रॉब्लम मैंने वो दिखाई है उसको जरूर आप वो चीज को आप एड्रेस करिएगा, मतलब देखिएगा वो करके, क्योंकि देखिए अगर आपको रिप्लेसमेंट लेना तो 7 दिन के अंदर ले लो। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सर्विस सेंटर न जाना पड़े, डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजन से ही आपको रिप्लेसमेंट मिल जाए। हाँ, और एक और चीज वो भी बता दे रहा हूँ, आपका जो सुनने का जितना भी आप सुनोगे आपका 50% वॉल्यूम में ही काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा खासा लाउड है कि आप यकीन नहीं करोगे इतना ज्यादा लाउड है, मतलब आपके ईयर्स अगर आप एक बैलेंस साउंड सुनोगे ना, जैसे बोलते हैं ट्रेबल मिड्स और वो, अगर आप वो फुल साउंड में सुन लेना आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाएंगे यार एकदम। ठीक है, तो ये 50% में ही आपका 50-60 बस, या तो मैक्सिमम 70, बस उससे ज्यादा आपको ऊपर मत जाइएगा। अगर जाना है तो बेस में भले ही आप जा सकते हैं क्योंकि बेस जो है वो कान में चुभता नहीं है, भले ही वो ईयर ड्रम्स को हिलाता है जितने भी, और हाँ एकदम ईयर शेकिंग है। 13.6 mm के ड्राइवर्स है, एक सबवूफर समझ लो, OnePlus Nord Buds जैसा काम करता है ना वैसा इसका बेस काम करता है। सो गाइस, बहुत समझा दिया, बहुत आपको बोल दिया, बहुत पका दिया, एवर्डिक के नाम पे समझ जाइए, इन शॉर्ट सेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आज जो दिक्कत है वो बताया और वो बिल्कुल चेकआउट करिएगा आपको मिलते ही, और अच्छे से यूज करिएगा एकदम, ताकि आपको 7 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट मिल जाए। तो गाइस, आई होप कि मेरे ये एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज लाइक तो करना ही पड़ता है ना, ताकि वीडियो आगे बढ़े। एज यूजुअल गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा, अगर आप ये लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उससे ही लीजिएगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और भी प्रोडक्ट के लिंक्स है वो भी ले सकते हैं, मेरी उससे भी हेल्प हो जाएगी। दूसरे तरह सुपर थैंक्स एज यूजुअल एक्टिवाइज चैनल पे। सो गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस एंड ऑलवेज बी फियरलेस।
Yeah.